छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान कलेक्टर ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। फ्लैग मार्च सिटी कोतवाली से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित उपद्रव को रोकना, चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करना था। फ्लैग मार्च से अब हम जानते हैं कि 3 दिन बाद वोटिंग है जिले में, तो एक आम जनता में ये विश्वास पैदा करना कि प्रशासन की पुलिस की तैयारी पूरी है और हर जगह सारे मतदान केंद्रों में बिल्कुल सुरक्षित रूप से मतदान कराया जाएगा, इसके लिए आज एसपी साहब और हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च निकाला गया, पुलिस प्रशासन द्वारा मिलकर कलेक्टर साहब, एसपी साहब और भी अन्य अधिकारी यहाँ मौजूद थे। फ्लैग मार्च का उद्देश्य ये है कि हम ये जो जनता है उसमें विश्वास दिला सकें कि जो चुनाव है वो निर्भीक तरीके से वो अपना मतदान कर सकते हैं। इसमें पूरी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से प्लानिंग किया गया है क्योंकि दंतेवाड़ा एक नक्सल प्रभावित जिला है, तो इसमें अंदरूनी क्षेत्र में भी हम लोग कंटिन्यूसली एरिया डोमिनेशन जिसमें ब्लैक मार्च की समस्याओं की लगातार गश्त किया जा रहा है।